महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। चुनाव के बाद कौन सहयोगी बनेगा और कौन विरोधी रह जाएगा, इन सब अटकलों से पहले देखते हैं कि पार्टियों ने जनता के लिए क्या वादे किए हैं। कुछ वादे तो ऐसे हैं जैसे लगता है कि दिवाली का बम्पर सेल चल रहा है। 10 बातें। कांग्रेस ने अलग विदर्भ राज्य की मांग को घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया है, इसकी जगह विदर्भ विकास बोर्ड को ही पार्टी और अधिकार देना चाहती है। कांग्रेस ने कम से कम नवी पास बीपीएल परिवारों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट, छात्राओं को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। बजट का 5% पैसा बंजारे आदिवासियों के लिए रखने का वादा किया गया है। एनसीपी ने सत्ता में आने पर 12वीं पास करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने का वादा किया है। हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, किसानों के लिए विशेष बीमा योजना, सभी नागरिकों को बीमा कवर देने का वादा किया गया है। एनसीपी ने सभी किसानों को पावर ऑन डिमांड देने और स्थानीय निकाय टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की है। उद्योगों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम देने का वादा किया गया है। उधर शिवसेना ने अभी तक अपना विजन डॉक्यूमेंट ही जारी किया है, जिसमें महाराष्ट्र का बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने पर जोर है। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर एक म्यूजियम, बाल ठाकरे पर एक मेमोरियल बनाने का जिक्र भी इस विजन डॉक्यूमेंट में है। औरंगाबाद को पर्यटन नगरी, नागपुर को ट्रांसपोर्ट नगरी, नासिक को धार्मिक नगरी, पुणे को शिक्षा नगरी और सोलापुर को टेक्सटाइल नगरी के तौर पर विकसित करने की योजना भी शिवसेना ने बनाई है।